सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। जी हां, आपको बता दें, ईडी ने अपने याचिका में कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन संशोधन मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। बता दें, न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का 28 जून का आदेश बहुत ही तर्कसंगत था। पीठ ने कहा कि हम झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने 31 जनवरी को मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने गिरफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मामले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने 4 जुलाई को फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस मामले पर आगे क्या कुछ हुआ, आइए सुनते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली जमानत याचिका को चुनौती देते हुए ईडी के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी, जिसे आज माननीय न्यायमूर्ति बीआर गवई एवं न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया और किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा दी गई जमानत को जायज मानते हुए ईडी की याचिका को खारिज किया है। वहीं इस मामले पर झारखंड की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हेमंत सोरेन को न्यायालय के द्वारा ही चार्ज फॉर्म करके न्यायिक हिरासत में न्यायालय के द्वारा ही भेजा गया था और न्यायालय ही उन्हें जमानत दे दिया है। हम लोगों ने हमेशा कहा है कि उनको हिरासत में भेजने का जो डिसीजन था या जो उनके ऊपर जो चार्ज फ्रेम करके भेजने का जो काम किया था वो न्यायालय ने किया था। उनको न्यायिक हिरासत में भी न्यायालय ने भेजा था और न्यायालय ने ही उनको जमानत दी है।